सबसे जरूरी चीज, जैसे कमलनाथ जी को चोट लगी, आपको चोट लगी सुना है, लगी ना, कमलनाथ जी यात्रा में निकले, रथ पे, रथ के कोने पे खड़े थे, बहुत भारी भीड़ थी, धक्का लगा, घुटने में चोट लगी, कमलनाथ जी जैसे ही आप अस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ, डॉक्टर ने पहला काम क्या किया बताइए, पहला काम डॉक्टर ने एक्सरे लिया, एमआरआई लिया, उसके बाद डॉक्टर ने कहा हां घुटने में यह प्रॉब्लम है। अब मैं यही बात कह रहा हूं, सब लोग कहते हैं हिंदुस्तान में ओबीसी है, दलित है, जनरल है, आदिवासी है, मगर जब हम सवाल पूछते हैं ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कोई जवाब नहीं दे पाता। देखो मैं पूछता हूं, भैया ओबीसी कितने हैं हिंदुस्तान में, कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, यह पता लगाना है कि अगर 90 अफसर हिंदुस्तान को चला रहे हैं और उसमें से 5% भागीदारी ओबीसी को मिल रही है, तो क्या ओबीसी की आबादी 5% है, क्या हो ही नहीं सकता। तो अगर उनकी आबादी 5% नहीं है, अगर उनकी आबादी 50% है, तो उनका 5% बजट पे कंट्रोल क्यों है, उनका 50% बजट पे कंट्रोल क्यों नहीं है। अब जब मैं ये सवाल उठाता हूं, बीजेपी के लोग कांपने लग जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी भाग जाते हैं, अमित शाह जी कुछ और कहते हैं, हिंदू मुस्लिम कहेंगे, नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे। भाई और बहनों, देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस, ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम यह हम करके दिखाएंगे।